2019 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भिवंडी शहर के नेताओं में देखने को मिल रही है। देखिए, आज हमारे भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार सुरेश तवाई साहब का आज फॉर्म भरा गया। आज भिवंडी शहर ही नहीं, 6 विधानसभा में एक खुशी की लहर थी। और कुछ दिनों पहले हमारे 35 नगर सेवक, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि कांग्रेस से बाल्या मामा को टिकट दिया जाए, तो उसके अंदर ये फैसला हमको नीचे लेवल से कर नहीं सकते थे। ये हाईकमांड का फैसला जो आएगा उसको हमको मानना है। तो ये इन्होंने कुछ थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि भाई हमारी मांगनी है कि बाल्या मामा को टिकट दिया जाए, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। और बाद में भी उनका स्टेटमेंट आपने हर जगह देखा होगा कि उनका स्टेटमेंट ये आया कि हम ए बी फॉर्म जिसको भी मिलेगा उसका हम काम करेंगे और हम राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। तो आज उन्होंने जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा था, तो आज उन्होंने 35 नगर सेवक ने मुझे शाम में 7 बजे अपना इस्तीफा ला के सौंपा। और उनको 35 नगर सेवक को लेकर भी मैंने बैठा, समझाया कि ऐसा चलता नहीं है। और उसका जवाब मैंने लिखित में, जो गट नेता अली वंसाई साहब हैं जो 35 नगर सेवक उनके साथ में है, उसमें मैंने जवाब लिखा है कि आपने कहीं पार्टी के विरोध में या पार्टी का नुकसान करके कोई काम नहीं किया है। और आप लोग ने फर्स्ट फॉर्म भरने में सब लोग का सहयोग था, सब लोग आए हैं, पार्टी के आप लोग जुड़े हुए हैं। और आप पार्टी का काम जब करने बोल रहे हो तो विवाद का आएगा, तो कोई ऐसा विवाद नहीं है। आप लोग का जो भी इस्तीफा है, भिवंडीशा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से नाते और मैंने सब जिम्मेदारों से चर्चा करके ये फैसला किया कि किसी का इस्तीफा कबूल नहीं होगा और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। अभी आज ये फाइनल हो चुका है कि कोई भी नगर सेवक अब कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा और कोई ऐसा विवाद पैदा नहीं हो ताकि पार्टी का नुकसान हो। और मैं पूरे भिवंडी की आवाम को गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी अफवाहों की बाजार बहुत आएगी कि ये नगर सेवक ऐसा बोला, वो नगर सेवक ऐसा बोला, इनमें फूट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पिछला भिवंडी महानगर पालिका 2017 में ये साबित हुआ था कि भाई सब लोग मिलजुल के इलेक्शन लड़े और कांग्रेस की 47 सीट चुन के आई थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं आप आदमी के मतभेद रहते हैं और अपने अपने विचार रहते हैं, तो उसमें घर का मामला है। घर में बैठ के आदमी जो भी रहता है बैठ के अपना फैसला कर लेता है। अभी सब लोग मिल के हमने फैसला किया, पार्टी का सब काम करेंगे। ये मैं आप लोगों को उपदेश देना चाहता हूँ।